नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जिस वैकेंसी का आप सभी का बहुत लंबे समय से इंतजार था वो जल्द ही आपको देखने को मिलेंगी। इस वैकेंसी के लिए हमने ट्विटर कंपेन किया, उसमें भी ये बोला गया कि नहीं, हम अपना जो है ऐसा कुछ नहीं है जो पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आया गया। कि क्या कहा गया था आपको, जो जवाब मिला था एक बार कि हम लोग सब सुचारू रूप से कर रहे हैं और जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा, और कुछ ने तो इसको नकार दिया था कि ये सब अराजक तत्व हैं। ठीक है, फैलाई जा रही हैं बातें, पुलिस भर्ती बोर्ड ने इतनी वैकेंसियां भरी हैं। ठीक है, तो एक तरह से जो एक इंटरव्यू शायद था उसमें आपके विश्वकर्मा जी ने कहा है कि ये वैकेंसी आपकी जो टेंडर के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है कि किस कंपनी को मिला है। ठीक है, ये कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है। यहां पे इतना बता दिया गया है आपको कि हो सकता है कि ये वैकेंसी आपको जनवरी मंथ में देखने को मिले, लेकिन आप जानते हो कि पुलिस भर्ती बोर्ड कहता कुछ और है, करता कुछ और है। ये आज से नहीं, शुरू से है, और ये कांस्टेबल भर्ती 2022 में आने वाली थी और अब 2023 में चली गई है। अब 2023 जनवरी बोला गया है, अब कहां जाएगी ये कुछ भी पता नहीं है। क्यों, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी तक टेंडर नहीं फाइनल हुआ। एक बार जब टेंडर का लिस्ट निकला यहां पर, तो सिर्फ एक कंपनी ने आवेदन किया, और एक कंपनी के आवेदन करने की वजह से फिर से ये टेंडर निरस्त कर दिए, फिर से टेंडर दोबारा निकाले, तो ये प्रोसेस चल रहा है। दूसरी कंपनी को इनके पास आ नहीं रही है, तो इन्होंने बोला है कि यहां पर देखिए जो न्यूज़पेपर में आपका कटिंग आया है कि नए वर्ष में आरक्षित नागरिक पुलिस और आरक्षी पीएस एवं फायरमैन के कुल 35,757 पदों पर भर्ती तैयारी है। इन पदों में अधियाचन भर्ती बोर्ड को प्राप्त हो चुका लगभग 32,000 पद नागरिक पुलिस के होंगे, वहीं अगले उपनिरीक्षक में 3,000, मतलब फिर से SI की पोस्ट आएगी जिसमें 3,000 पोस्ट होंगे। अभी तो आपके ये 9,000 प्लस जो वैकेंसी हो गई इसके बाद भी। अब यहां पर देखो कि जब सबसे बड़ी बात जो यहां बोली गई है, ये आपको साफ दिख रहा होगा, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आरके विश्वकर्मा जी जो डीजी आपके हैं, उन्होंने बताया है कि आरक्षित नागरिक पुलिस और आरक्षित पीएस और फायरमैन के पदों पर भर्ती के लिए कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया जल्द आरंभ होगी। इन्होंने कहा आरंभ होगी, ठीक है, इसका मतलब जो टेंडर वाला प्रोसेस था वो चला, बीच में फिर कैंसिल हो गया, उसके बाद से निकाला ही नहीं गया, अब फिर टेंडर निकाला जाएगा, अब देखा जाता है कि क्या होता है। तो क्या ऐसा लगता है जब इतना समय से एक टेंडर नहीं फाइनल हो पाया, कंपनी नहीं फाइनल हो पाई, तो क्या अभी अगर ये टेंडर आरंभ करेंगे, लिख तो दिए हैं ये लोग, ठीक है, क्या है क्या नहीं, तो जनवरी 2023 में अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन कैसे हो सकता है। हाँ, लेकिन एक बोल सकते हैं कि एक होप है कि हो सकता है कि ये आरंभ जो न्यूज़पेपर लिखने वाले हैं इनकी कुछ गलतियां हो। ये कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इन्होंने सोचने में दिक्कत की हो, इनके सोचने समझने में दिक्कत हुई हो, कि आरंभ तो हो चुकी है, बस हो सकता है कि अब कंपनियां जो, क्योंकि वो डेट एक्सटेंड होता जा रहा था, कोई कंपनी मिल जाए तो वो चीज फाइनलाइज हो जाए, मतलब दिसंबर अगर लास्ट तक फाइनल हो जाता है, तो ये जो जनवरी बोला गया कि जनवरी से स्टार्ट होगा, तो जनवरी से मान लो कि माइंड मेकअप कर लो कि जनवरी नहीं तो फरवरी मार्च तक तो कहीं ना कहीं आपको फैब लास्ट तक देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म तो मिल जाएगा। हम एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, कि जनवरी नहीं तो फरवरी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है मिल जाए, अगर विश्वकर्मा जी अपने बात पर रहे सर जी, तो कहीं ना कहीं यहां पर यह आपको जनवरी में भी मिल सकता है। इसके लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसा बोर्ड का रवैया है, कहना कुछ और है, करना कुछ और है। साथ ही साथ एक और सबसे बड़ी न्यूज जो ये है, आप लोगों को बता दिया जाए कि अभी हाल ही में आपके SI और ASI की जो मिनिस्टीरियल और कॉन्फिडेंशियल वाली वैकेंसी थी उसकी टाइपिंग टेस्ट आपका हो चुका है, टाइपिंग भी हो गया और स्टेनो भी हो गया। अब इसके बारे में जो भर्ती बोर्ड ने कहा है, बोला है कि दिसंबर लास्ट तक, कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आ ही जाएगा, ठीक है, कहता कुछ और है, लेकिन उसमें हफ्ते भर 15 दिन का और समझ लो, जोड़ लो अपने तरफ से, कि दिसंबर अंत लास्ट वीक तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, इसका फाइनल रिजल्ट आपके लास्ट वीक तक आ जाएगा। कुछ बच्चे इसके बारे में भी हमसे बात किए, मैं एक और अलग से भी वीडियो बना दूंगा। फिर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं एक बार सभी से, कि जो लोग ऑलरेडी कहीं सेलेक्टेड हैं वो खुद ही अपने तरफ से, अपने जमीर, अपनी आवाज सुनकर जो है एक लेटर, एक एप्लीकेशन लिखें भर्ती बोर्ड को, कहें कि मैं अपना जो है
जो विड्रॉ करता हूं यहां से इस पोस्ट के लिए मैं, जब विड्रॉ करोगे आप तो कहीं ना कहीं किसी और आपके भाइयों को मौका मिलेगा इस वैकेंसी में। बाकी जितने लोग इस बात से सहमत हैं तो हम लोग एक बार भर्ती बोर्ड सोच रहे हैं कि जाया जाए कि एप्लीकेशन दिया जाए कि भर्ती बोर्ड खुद इस पर एक जो है नोटिस निकाले कि जो बच्चे कहीं सेलेक्टेड हैं वो अपना नाम विदड्रॉ कर लें, ठीक है, और आगे आने वाले अपने दोस्त अपने भाइयों को मौका दें ताकि उनके भी घर में दिया जल सके। ये हमने पहले भी बोला था कि बहुत जरूरी है, एक नौकरी पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कितना समय लग जाता है उत्तर प्रदेश में आप सभी जान रहे हो, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट लास्ट वीक तक आपका फाइनल आ जाएगा, ये ध्यान रखिए, बहुत होगा तो ये जनवरी तक चला जाएगा, लेकिन इतना मानिए कि 10 जनवरी से पहले पहले आप सभी को रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद से जो कांस्टेबल में अगर लगे हो भाई तो एक बार ध्यान रखो कि हो सकता है एज रिलैक्सेशन आपको मिले, ये एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, अगर नहीं मिलता है तो फिर उसके लिए हम लोग जरूर जो भी हो सकता है वो करेंगे, लेकिन आज से तैयारी स्टार्ट कर दो। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी जॉब आपकी आसान नहीं है, आपकी तैयारी जब तक बहुत जबरदस्त नहीं होगी तब तक जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए अगर तैयारी करना है आप सभी को तो अभी से लगे रहो, कुछ भी पढ़ते रहो ताकि आपके पास एक अच्छा समय रहे रिवीजन का। अगर बोला गया कि जनवरी में आवेदन कराया जाएगा तो जनवरी नहीं तो लेकिन फरवरी मान के चलो आप, कितना भी लेट करेगा तो 15-20 दिन अपने बोलने के समय से ये लेट कर सकता है, तो जनवरी लास्ट या फरवरी तक आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे और 4-5 महीने के बाद आपके ऑलमोस्ट, अगर बहुत जल्दी, क्योंकि अब आयोग खाली हो गया, एसआई भी ये आपके जो सिविल वाला है ये सभी फाइनलाइज हो गई है वैकेंसियां, तो आने वाली जो वैकेंसी, अब रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम करा लेगा और वो भी उसी समय होगा, कहीं ना कहीं फरवरी या मार्च के अप्रोक्स में हो जाएगा एग्जाम आपका रेडियो ऑपरेटर का। और अगर इसकी बात, क्योंकि अगर एजेंसी फाइनल होगी तो सबकी एक साथ होगी ये ध्यान रखिएगा, तो यहां पर हम बात करें तो फरवरी में होगा तो आपको 4 महीने के मान लो 4 मंथ उधर मिलेगा, बाकी इधर के समय आप जितना यूटिलाइज कर लो उसके बाद ही आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत है, इतना ट्यूटर कंप्लेन किया आप लोग, ठीक है, उसी का कहीं ना कहीं मेहनत है। उसके बाद से योगी जी ने भी यहाँ पेपर कटिंग में तो यही बोला है कि योगी जी ने शिकंजा कसा है, इस वजह से ये चीजें तेजी से हो रही हैं। तो जो भी हो, 2024 में चुनाव भी होने वाला है तो एक तरह से कहीं ना कहीं उसका भी माहौल बनाया ही जा रहा है, इसी में खेला जा रहा है। तो आप लोग अगर तैयारी स्टार्ट नहीं किए हो तो मेरी बात मान जाओ कि अभी आपके पास कम से कम किसी वैकेंसी में अच्छी तैयारी करना है तो 6 मंथ मान के चलो जो आजकल माहौल चल रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर चैनल को लाइक और शेयर करिए, अगर किसी प्रकार की आपको समस्या है तो अपनी समस्याओं को कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम पूरी कोशिश करें कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।